सामना है जंगल है, जंगल में भगवान का गाय चढ़ता, यही भगवान खेल खेल में मिट्टी खा के माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। 5,500 वर्ष प्राचीन कदम का वृक्ष देख लिए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष पे चढ़ के बंसी बजाया करते थे, वही कदम का वृक्ष आज मैं उसी के नीचे खड़ा हूँ। हम आ चुके हैं दोस्तों ब्रह्मांड घाट के ऊपर, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने जो मिट्टी है बच्चे आते हैं मिट्टी खाई थी, और जब उन्होंने मुँह खोला तो माता यशोदा को इसी घाट पे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, तो माता समझ गई माता यशोदा की ये हमारा पुत्र साधारण पुत्र नहीं है और ये साक्षात प्रभु है। ब्रह्मांड घाट का मुख्य द्वार यहीं से हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड घाट यानी जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि ब्रह्मांड घाट जहाँ पे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। भगवान कान्हा जो बड़े नटखट थे, और जब वो नंदगांव से रमन रेती आते थे और 84 कंबा जो कि इसके पास में जहाँ पे ये माखन चुरा के खाया करते थे, और यहीं से पास में 2 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मिट्टी खाते हैं, सबके बच्चे खाते हैं, वैसे कान्हा भी बड़े नटखट थे, दुनिया के सबसे शरारती बच्चे थे, तो उन्होंने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने के बाद यशोदा माता ने उनको डांटा। जब वो घर पे पहुँचे माता यशोदा ने उनको डांट लगाई कि तूने कान्हा मिट्टी को खाई, तो जैसे ही वो अपना मुँह खोलते हैं उसमें माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। और माता आश्चर्यचकित होती है कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात हरि का रूप है। भगवान विष्णु के 8 अवतार के रूप में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने का अवतार हुआ था। ये है ब्रह्मांड घाट की यात्रा, और दोस्तों बोलते चलिए राधे राधे जय कृष्णा, कमेंट करते चलिए, ब्रह्मांड घाट के आप दर्शन कर लीजिए। यमुना नदी ब्रह्मांड घाट के ऊपर, यमुना जी का प्रवाह, इसमें यहाँ पे भी बोटिंग वगैरह है तो आनंद आप ले सकते हैं, और यहाँ से आप उधर तक घाट है, और मेरे पीछे भी ये ब्रह्मांड घाट है, यहीं पे खेला करते थे भगवान श्री कृष्ण, और ब्रह्मांड घाट के ऊपर ही वो बचपन में मिट्टी खा जाते थे। और ब्रह्मांड घाट पे आप देखेंगे काफ़ी पुराने बट वृक्ष है, और इधर कदम के वृक्ष भी आपको दिखाई देंगे। अन्ना का जो मंदिर है मुख्य मंदिर है, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों घर बैठे ब्रिज की 84 कोस की यात्रा गोवर्धन पर्वत से लेके वृंदावन सबका आनंद लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए यात्रा के आपको वीडियो मैं लेके आता रहूं। यहाँ पे मनोती मांगी जाती है, और जिनकी मनोती पूर्ण होती है वो फिर आते हैं। ये राधे राधे जी, ये कदम का वृक्ष है क्या? तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पे ठाकुर जी बंसी बजाया है, माटी खा के माँ को ब्रह्मांड बसाया है। देखिए ये आप बता रहे हैं यहीं पे कृष्ण बंसी बजाया करते थे ग्वालों के संग, और थोड़ी जानकारी दीजिए इस स्थान की। यहाँ लगा दो उसको, ऐसे मुझे बोल देगा, बोलो राधे 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 राधे। सामना है जंगल है, जंगल में भगवान का गाय चढ़ता, यही भगवान खेल खेल में मिट्टी खा के माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। सामने मंदिर है बिहारी जी का, वहाँ दर्शन करना है। कदम का वृक्ष माँ करती, जो भी अपनी कोई मन्नत होती है यमुना मैया पूरा करती है। विश्वासम फलदायक, विश्वास से सभी होता है। कदम का पेड़ है, ठाकुर जी बैठ के इधर बंसी बजाया है, इधर ही भगवान माटी खा के माँ को ब्रह्मांड बताया है। राधे राधे। वो साक्षात विष्णु के अवतार थे कृष्ण कन्हैया, 8 अवतार के रूप में माता देवकी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था, और बहुत ही अच्छी जानकारी पंडित जी ने हमें दी है। और सामने ये कदम का वृक्ष है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसी कदम के वृक्ष पर बैठ के कन्हैया बंसरी बजाया करते थे, और यहीं से ग्वालों के संग यमुना नदी में वो
नहाने आते थे और यहीं पे वो मिट्टी खाते थे। छोटे बच्चे जो होते हैं मिट्टी खाना पसंद करते हैं, तो नटखट भी थे, शरारती भी थे, और जब वो मिट्टी खाते थे तो माता परेशान थी, उनको डांटती थी। और जब माता ने उनको डांटा और उन्होंने अपना मुँह खोला, उनको ब्रह्मांड के दर्शन हुए, और ये भगवान कृष्ण की यादें सजे हुए 5,500 वर्ष प्राचीन कदम का वृक्ष देख लिए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष पे चढ़ के बंसी बजाया करते थे, वही कदम का वृक्ष आज मैं उसी के नीचे खड़ा हूँ और अपने जीवन को मैं धन्य समझ रहा हूँ। देखिए कदम का जो वृक्ष है, आज भी यमुना जी इसी घाट के बिल्कुल सटकर बहती है। ये देखिए यमुना जी, कदम का प्राचीन वृक्ष जिसके मैंने भी दर्शन कर लिए। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के ही एक मूर्ति स्थापित की गई है और इनको मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ में जो भी मनोती होती है इसके स्पर्श मात्र से आपकी सारी व्याधियाँ बीमारियाँ दूर हो जाती है। और इस कदम के वृक्ष को जो भी कान्हा को मानते हैं, श्री कृष्णा को मानते हैं, वो कॉमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखेंगे। और इधर यमुना नदी है और शाखाएँ देखिए इतनी ऊँची ऊँची, यहाँ से सीधा छलांग लगा देते थे कान्हा। और साथ में हम दोनों आशीर्वाद लेते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं इसी वृक्ष के ऊपर, इस पर चढ़ के वो भगवान कृष्ण बैठते थे। तो आप देख लीजिए द्वापरकालीन कदम का वृक्ष, हजारों साल प्राचीन कान्हा की लीलाओं का अद्भुत यहाँ पे सहयोग देखने को मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छी जगह है ब्रह्म घाट, जब भी आप आते हैं नंदगांव तो आगे ब्रह्म घाट ज़रूर आइएगा। चलिए मुख्य मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, ब्रह्मांड बिहारी मंदिर गोलोक धाम ब्रह्मांड घाट। और घाट पे एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी है। और ये मुख्य मंदिर जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ब्रह्म घाट का मुख्य मंदिर कृष्णा की, यहीं पर हम दर्शन करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रह्म घाट की मिट्टी भी आप घर लेके जा सकते हैं। और यही है कृष्ण कन्हैया लाल बांके बिहारी जी, जो कि साक्षात ब्रह्म घाट पे विराजे हुए हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मुख्य मंदिर जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ब्रह्म घाट पे, देखिए ग्वाला के रूप में गायें चराते थे प्रभु, तो आज भी उनके साथ में गायें रहती है। जो भी गायों की सेवा करता है भगवान उसके सब दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो भगवान कान्हा के विष्णु के जो अवतार हैं उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शालिग्राम भी आप देखिए बिल्कुल करीब से, शालिग्राम के रूप में भी यहाँ भगवान विराजित है। इतना अच्छा है सहयोग, बिल्कुल करीब से भगवान के आपको दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्म घाट पे विराजे कान्हा के दर्शन, इधर श्री कृष्ण माता यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया। यहीं पे ब्रह्मांड जब कान्हा ने मुँह खोला तो उनको दर्शन हुए थे ब्रह्मांड के विराट रूप के। तो माता समझ गई साक्षात हरि ने हमारे घर में जन्म लिया है, ये आप दर्शन कर लीजिए। तो चलिए फिर से निकलते हैं अगली यात्रा के लिए। ब्रह्मांड घाट पे बिहारी राधा रानी चूड़ी कंगन भंडार, यहाँ से आप राधा रानी की चूड़ियाँ खरीद सकते हैं। ब्रह्मांड घाट के यहाँ से आप पीतल की भगवान की बड़े छोटी छोटी आकृतियाँ निशानियाँ लेके जा सकते हैं। ब्रह्मांड घाट की ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।